हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। लास्ट वीडियो में हमने उर्सो गैम्बिट डिक्लाइन के बारे में बताया था, आज देखेंगे उर्सो गैम्बिट एक्सेप्टेड। उर्सो गैम्बिट e4 और बिशप ओपनिंग से होता है, e4 e5 देन बिशप 4। ब्लैक इस मूव में नाइट f6 करता है तभी उर्सो गैम्बिट आप खेल सकते हो अटैक विथ d4। लास्ट टाइम हमने देखा था कुछ अलग मूव्स, जो डिक्लाइन वाले मूव थी, जहाँ पे नाइट टेक्स e4 एक ये मूव, उसके बाद d6 सपोर्ट। तो ये अलग अलग मूव्स ये डिक्लाइन की है। एक्सेप्टेड मूव यहाँ पे d क्रॉस d4, ये है उर्सो गैम्बिट एक्सेप्टेड। ed4 में यहां आपको खेलना है नाइट f3 और d4 पे प्रेशर बनाए रखना। ब्लैक मोस्टली रिप्लाई देता है नाइट टेक्स e4। अब आपको खेलना है क्वीन टेक्स d4। यहां से ब्लैक के पास कौन सी चॉइस है? एक चॉइस है नाइट d6, आपके बिशप पे काउंटर अटैक करना और नाइट सेव करना। नाइट d6 के सामने आपको रिप्लाई देना है शॉर्ट कैसल। अब ब्लैक अगर नाइट टेक्स c4 करता है तो सबसे पहले आपको re1 चेक, बिशप e7 ओनली ऑप्शन, उसके बाद क्वीन टेक्स g7, रुक f8 फोर्स मूव और यहाँ पे बिशप h6। तो ये सिंपल विनिंग गेम। दूसरा ऑप्शन क्या है ब्लैक के पास इंस्टेड ऑफ नाइट c4? यहाँ पे सिक्स मूव में नाइट c6, क्वीन पे अटैक, नाइट d6, यहाँ पे जब हम कैसल करते हैं तो एक और ऑप्शन है नाइट c6। नाइट c6 में भी आपको re1 चेक देना है। अब ब्लैक का ऑप्शन बिशप e7 अगर किया तो सेम मूव होगी क्वीन टेक्स g7 देन रुक f8 एंड बिशप टू h6। तो ये सिंपल विनिंग हो जाएगी व्हाइट की। नाइट e7 इंटरपोज नाइट करते हैं तो यहां पे आपको एक वेटिंग मूव करना है बिशप टू b3। मेरे अगेंस्ट ब्लैक ने नाइट f5 किया था एक गेम में, बट आफ्टर क्वीन d5 f7 चेकमेट और क्वीन टेक्स f5 डबल थ्रेट, उसके बाद नाइट d6 और यहाँ पे सबसे ब्रिलियंट मूव नाइट टू g5। अब इस गेम में कंप्लीटली व्हाइट विनिंग है। आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट का ग्राफ एकदम अप हो गया। ओके, nc6 के बदले नाइट c5 एक और ऑप्शन है, नाइट c5 नाइट बचाने का। नाइट c5 में सिंपल आपको खेलना है बिशप टू g5, बिशप e7 एंड क्वीन टेक्स g7। अब ये पोजीशन भी कंप्लीटली व्हाइट की फेवर में। फिफ्थ मूव में दोस्तों नाइट d6 के बदले और भी ऑप्शन है क्वीन d6 के बाद। ये सारे देखे हमने नाइट d6 के बाद के वेरिएशन। हो सकता है यहाँ पे नाइट f6 नेचुरल मूव खेल ले, लेकिन ये बेस्ट भी है। लेकिन नाइट f6 के सामने आपको खेलना है बिशप टू g5। अब यहाँ पे बिशप e7 सबसे बेस्ट मूव है और उसके बाद नाइट c3। अब दोस्तों ये पोजीशन, ये नेचुरल पोजीशन है। यहाँ से ब्लैक के पास तीन ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है नाइट c6,
जो पैटर्न है नाइट सी6 देन शॉर्ट कैसल। दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट कैसल देन सी6 देन d5, c6 देन d5। और थर्ड ऑप्शन है डायरेक्टली c6 देन d5। तो शॉर्ट कैसल करने के बाद c6 d5, और बिना शॉर्ट कैसल c6 d5, और नाइट c6, ये तीन वेरिएशन। तो पहले देखते हैं हम नाइट c6 अगर ब्लैक खेल रहा है तो यहाँ पे आपको क्या खेलना है। नाइट c6 में क्वीन टू h4, ब्लैक करेगा कैसल, और इस लाइन में आपको ज्यादातर लॉन्ग कैसल करना है। अब नेचुरल मूव क्या है यहाँ पे, d6, क्योंकि बिशप कोई भी पीसेस माइनर पीस को डेवलप करना ये बेस्ट होता है। यहाँ आपको खेलना है बिशप d3, एक वेटिंग मूव, और यहाँ थ्रेट डबल है। पहली थ्रेट है बिशप टेक्स नाइट, और उसके बाद क्वीन टू h7 चेकमेट। चलिए इसे बचाने के रास्ते दो ऑप्शन मेन है बिशप d3 के रिप्लाई में, या तो ब्लैक h6 कर सकता है, और दूसरा मूव है g6। ये दोनों ऑप्शन में क्या करना है आपको, मान लो कि अगर h6 किया तो यहाँ पे बिशप टेक्स h6 सेक्रीफाइस। अगर g टेक्स h6 किया, उसके बाद क्वीन टेक्स h6, नाइट b4, हमारी नेक्स्ट थ्रेट क्या है यहाँ पे नाइट d5, और नाइट एक्सचेंज होने के बाद मेट हो रही है। तो यहाँ ब्लैक नाइट d4 करता है सपोज बिशप पे थ्रेट, और जो मेटिंग अटैक वाला बिशप है उसे मारने के, तो यहाँ आपको करना है नाइट टू g5। नाइट टेक्स d3, ये भी हमारे लिए बेटर हो जाएगा, रुक टेक्स d3, और नेक्स्ट टारगेट रुक टू g6। बिशप e6 डेवलप करेगा, सॉरी बिशप f5, बिशप f5। अब ये आइडिया क्या है, बिशप h7 पे सपोर्ट भी कर रहा है, रुक पे अटैक कर रहा है। यहां आपको खेलना है रुक g6। अब डिस्कवर्ड की थ्रेट है, तो बिशप g6 खेला, तो यहाँ सिंपल, अब आप वीडियो पॉज करके अपना मूव ढूंढो, बहुत ही जबरदस्त मूव है इसमें। चलिए मैं बताता हूँ, नाइट e6 सेक्रीफाइस, और फोर्स मेट, मेट इन वन है यहाँ। अगर ब्लैक ने, और फॉर्क भी है दोस्तों, जबरदस्त मूव है, पॉन टेक्स नाइट किया तो सिंपल क्वीन जी देन क्वीन टेक्स मेट। ओके, g6 का रिप्लाई क्या होगा, h6 का रिप्लाई हमने दे दिया। यहां पे इफ प्लेस g6 में आपको रुक h e1। ओके, यहां पे आइडिया क्या है, रुक टेक्स e7 देन बिशप टेक्स f6। तो ये आइडिया है, रुक h e1 के रिप्लाई में ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप e6, और यहां पे g4, ये एक गजब मूव है। आइडिया बिहाइंड दिस मूव, बिशप f5। तो ब्लैक यहां पे खेलेगा नाइट टेक्स g4, और यहां जबरदस्त मूव रुक टेक्स e6। आफ्टर एफ टेक्स e6 सिंपल विनिंग द पीस बाय क्वीन टेक्स g4। ओके, लेट्स सी अबाउट कैसलिंग। नाइट f6 देन बिशप g5, बिशप e7, नाइट c3 एंड कैसल। अब यहाँ पे ब्लैक दो तरीके से खेल सकता है, पहले कैसल करके c6 d5, ये आइडिया है, और दूसरा आइडिया पहले c6 d5। ओके, कैसलिंग में हमें करना है लॉन्ग कैसल। लॉन्ग कैसल के बाद ब्लैक खेलेगा c6, यहां आपको रिप्लाई देना है रुक h e1 d5, और सिंपल बिशप d3, जो अपना ज्यूस स्क्वायर में आ जाएगा। ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप e6,
और फिर क्वीन टू एच फोर और वही अटैक वाली पोजीशन आपके सामने फिर से आ जाएगी और इसी तरह आप वाइट से अटैक कर सकते हो। फिर ये थ्रेट बिशप टेक्स और चेकमेट, तो वही प्लानिंग आपके पास रिपीट हो जाएगा। ओके, दूसरा मूव देखते हैं सी सिक्स के बदले। फिलहाल ब्लैक ने एच सिक्स कर दिया तो क्या करोगे? अगर तुरंत एच सिक्स किया तो बिशप सेक्रीफाइस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी टेक्स एच सिक्स और उसके बाद क्वीन टू ई थ्री, यहाँ फिर आप थ्रेट में हो और डबल अटैक है क्वीन टेक्स ई सेवन, तो पीस आपका वापस मिल रहा है। रुक टू ई एट, रुक ई एट में आपको करना है क्वीन, सॉरी यहाँ जबरदस्त मूव है, वीडियो पोस्ट करके आप सोचिए। बिशप सेक्रीफाइस, बिशप एच सेवन आफ्टर किंग टेक्स एच सेवन, नाइट ई फाइव चेक, किंग जी सेवन, क्वीन जी थ्री चेक और ऐसे कंप्लीटली गेम आपके फेवर में, क्योंकि किंग कहीं भी जाता है। मान लो कि अगर किंग डर गया तो मेट इन टू है क्वीन जी सिक्स चेक, देन नाइट एफ सेवन मेट, और अगर इस चेक में किंग ने जी एट खेल दिया तो यहाँ पे क्वीन जी सिक्स और अनस्टॉपेबल मेट, तो ये पोजीशन आ जाती है। ओके, अब सी सिक्स देन डी फाइव विदाउट कैसल देख लेते। ब्लैक ने कैसल नहीं किया, यहां पे तुरंत सी सिक्स, यहां भी आपको करना है लॉन्ग कैसल आफ्टर डी फाइव, सेम मूव बिशप डी थ्री। एक यहां पे डी फाइव में बिशप डी थ्री के बदले एक और बढ़िया मूव है सेक्रीफाइस रुक ई वन। देखो यहां पे पॉन टेक्स बिशप पॉसिबल नहीं है, सीधी चेकमेट है मेट इन वन, क्योंकि बिशप ऑलरेडी पिन हो चुका है, तो ये एक ट्राई कर सकते हो। और इसके रिप्लाई में ब्लैक खेलेगा बिशप ई सिक्स लाइन क्लोजिंग, और उसके बाद आपको बिशप डी थ्री करना है। कई लोग यहाँ पे क्वीन ए फाइव खेलते हैं कि हमारे किंग साइड अटैक करने के लिए, यहाँ आपको खेलना है बिशप एफ फाइव, बिशप सेक्रीफाइस। क्या होता है अगर बिशप टेक्स बिशप लिया तो सिंपल बिशप टेक्स एफ सिक्स, जी टेक्स एफ सिक्स एंड क्वीन एफ सिक्स विथ मेट और रुक पे अटैक और बिशप पे अटैक, मल्टीपर्पज अटैक मिल जाएगा और ये गेम कम्प्लीटली आपके फेवर में हो जाएगी। आपका पीस जो सेक्रीफाइस किया है वो वापस भी मिल जाएगा। तो किसी भी तरह के आपको लॉन्ग कैसल करके किंग साइड अटैक करना है तो उसो गैम्बिट में बहुत ही मजा आएगा दोस्तों खेलने में। व्हाइट से बिशप ओपनिंग खेल के उसो गैम्बिट ट्राई कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। बहुत ही अग्रेसिव अटैकिंग लाइन जो मैंने सभी वेरिएशन आपको दोनों वीडियो में दिखा दिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिक्लाइन वाले वेरिएशन देखे थे और आज हमने सब एक्सेप्टेड वाले वेरिएशन देखे। तो ये सारे वेरिएशन तैयार करके ई फोर लाइन आप आसानी से खेल सकते हो। जल्द ही मिलेंगे और भी नई ओपनिंग के साथ। जय हिंद, जय गुजरात।